नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंडियन प्राइम न्यूज की टीम आज मगहर आ चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये कबीरदास जी की निर्माण स्थली है और ज्यादा कबीरदास जी के विषय में जानने के लिए हम महान संत से कुछ जानना चाहेंगे। जी महाराज जी, बताएं आप। वो ऐसे कहा किताबें हैं और लोकांतर भी कथा है कि लहतारा में पुल पर एक नवजात शिशु किशकोरिया मारकर खेल रहा था। नीरू और नीमा बिना बच्चे वाली निसंतानी उधर से गुजर रही थी। नजर पड़ा, उठा करके लालन पालन किया। उनकी समाधि स्थली कबीर चौरा में है नीमा नीरू का। और वहाँ से साहब मगहर आए और यहाँ से अंतर्धान हो गए। उनकी गठबाजी नहीं मिली, विवाद हुआ कि बस्ती का राजा और ये काशी का राजा में विवाद हो गया। वो कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देने वाला इस्लाम था और नीमा नीरू ने पाला था। और वो कह रहा नहीं, रामानंद के शिष्य थे, ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए। तो विवाद हुआ। किसी बुजुर्ग के आकर के कहा कि गटबाजी का चादर तो हटाओ, तो चादर पर फूल मिला। वो फूल को बांट करके के इस्लाम ये कबर बनाए हैं और ये समाज बना है। तो महाराज, ये जो कबर बनी है, हाँ, ये बगल में एक कबर बनी है, ये हाँ, समाधि बनी है, हाँ, कि ये वही विवाद को शांत करने के लिए बनाया है। हाँ, जो फूल का बंटवारा हुआ तो वो इस्लाम बंदिश वहाँ बना लिए और हिंदू यहाँ बना लिए, आधा फूल इसमें आधा फूल। महाराज जी, कबीरदास जी ने एक चौपाई भी लिखी है कि जो कबीरा का सीमर है तो रामय कौन निको। इसका क्या मतलब था? ये इसका मतलब यह है, लोग कदवंतिया कहानियां थी कि जो या मगहर में मरता है वो गधा का जन्म, गधा का। लेकिन इसको कबीर साहब ने सिद्ध कर दिया कि यह सत्य बात नहीं है, अनुचित बात है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय। कबीर की एक उक्ति ऐसी है, कबीर जब हम जन्मिया जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। आपका शुभ नाम क्या है महंती? मुझे देवव्रत नाथ फलहारी बाबा कहते हैं। फलहारी बाबा। और इस जगह को निर्माण क्या बोलते हैं? इस जगह का निर्माण लोगों ने बिजली खान पठान और बघेल राजा काशी का लोगों ने मिलजुल करके अच्छा। और इस कुछ कबीरदास जी के विषय में कुछ अगर बात हो, कुछ गहन बात हो जो लोगों को मैं दिखा सकूं, बता सकूं, यहाँ आए लोग मगहर में। हाँ, तो कबीर साहब कहते हैं कि आए मनुष्यों, तू अपने आप में देखो, एक घंटे भीतर सूरज चढ़ता है तारा, एक घंटे भीतर वर्षा है तारा, एक घंटे भीतर ताल तलैया यही में नदिया नारा, और कहे कबीर सुनो और तू यही में गुरु हमारा, ज्ञान गुरु और ध्यान चेला है, ऐसी उनकी वाणियां थी। जैसा कि आशीष आप देख रहे हैं, महाराज जी बता रहे हैं कि ये निर्माण स्थली है कबीरदास जी की, और ये जो एक फूल था जो दो भाग में बटा था, इधर दिखाइए जरा, ये महाराज जी है, ये दिखाइए जरा आशीष, इधर दिखाइए कैमरा, इधर दिखाइए, एक ये है और ये जो फूल का विवाद था, ये पूरा फूल के विवाद के साथ ही शुरू होता है। ये हिंदुओं के लिए जो बनाया गया था, काशी नरेश ने जिसकी लड़ाई की थी, और ये मुस्लिम का है। कबीरदास जी न हिंदू थे न मुस्लिम थे, वो तो बहुत बड़े संत थे। एक संत होने के नाते ये उनकी समाधि है। और बाकी हम तो चाहेंगे कि आप लोग भी यहाँ एक बार आएं और भ्रमण करें और देखें, बहुत ही अच्छी जगह है, ये बहुत ही पावन जगह है और बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके।